नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हमारे लिए कल का दिन और परसों एक्सपायरी का दिन कैसा रह सकता है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हमारा यहाँ से एक बाउंस बैक आना तय है या फिर हम यहाँ से फर्दर गिरेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पर, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आके हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पे कल का दिन और परसों का दिन हमारे लिए कैसा रह सकता है। पिछले 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जो हमारे यहाँ जो बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइडर है वो लोकल है और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो अपने ऑफिस को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमारा इंटरनेट ये बंद था और थोड़ी सी दिक्कत थी। अब बट आज चालू हो गया है तो मैं अपना कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। और मोबाइल डाटा से वीडियो अपलोड हो नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है जिसकी वजह से नहीं अपलोड हो पाता, तो ये दिक्कत थी। अब आपको आज वीडियो मिल रहा है तो कोशिश ये है कि अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें, देखो 7,800 पे क्लोजिंग आई है, बट अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूँ डाओ फ्यूचर से तो डाओ फ्यूचर ऑलमोस्ट 5% ऊपर है, तो हमें भी ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास क्लोजिंग देनी चाहिए थी क्योंकि देखो 2.5% हम ऊपर जाके बंद हुए हैं। ये एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, उस सिग्नल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं सही हूँ या हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम 7,800 पे क्लोज़ हुए। अब देखो मैं अगर यहाँ पे अगर देखूँ हाईएस्ट पुट राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ पे हो रही है, वो देखो यहाँ पे हो रही है। ये जो 7,000 का लेवल है यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है, समझ रहे हैं आप। और अभी जो इसका प्रीमियम चल रहा है वो आपका 115 पॉइंट का चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 8,000 के आसपास का चल रहा है। और अगर हम मैं सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग की बात करूं, वो कहाँ पे हो, पुट राइटिंग की बात करूं तो वो कहाँ पे हो रही है, 7,500 पे। और अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं थर्ड हाईएस्ट की, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ हो रही है, 8,100 पे। ठीक है, देखने वाला पॉइंट ये है कि 7,000 के लेवल पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस अभी भी ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है। 7,000 पे वो पुट राइटिंग क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों 7,000 की पुट को राइट कर रहे हैं। कॉल राइटिंग के लिए हमारे पास देखो हाइएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, आपको दिखाता हूँ मैं आपको। हाइएस्ट कॉल राइटिंग हो रही है आपकी 12,000 पे, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 18,90,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो 12,000 तो जा नहीं सकता निफ्टी, तो हमें फोकस क्या करना है कि अभी हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो गिरावट पे हमें कहाँ पे एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है जिससे कि हमें एक अच्छे पैसे कमाने को मिले, ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, 7,000 के लेवल पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न हम चार्ट पे समझते हैं। देखो दोस्तों, अब जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, इसको ध्यान से समझिएगा और ये आपको एक अच्छा पैसा कमा के भी दे सकती है। आपको करना क्या है, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये जो लो बनाता है ये बेसिकली 2016 में जो बजट आया था उसमें ये लो बनाता, ये बेसिकली जो लो होता बनाता 6,906 का, ये 2016 में बजट आया था और यहाँ से ये मार्केट ने पूरी रैली दिखाई थी बजट के बाद। अब हो क्या रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले लो को टच करने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पे यहाँ तक की गिरावट दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमने बाउंस बैक्स नहीं दिखाया आज, क्योंकि अगर हम 5% ऊपर जाके 6% ऊपर जाके बंद होते तो वहाँ से गिरावट आने की थोड़ी सी और उम्मीदें कम हो जाती हैं। बट इस लेवल से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ईजिली 10% या 11% की गिरावट आ सकती है, इसीलिए मार्केट बाउंस बैक नहीं दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको इस लेवल पे मार्केट मिलता है, किस दिन मिलता है, वेनसडे या फिर थर्सडे, यानी बुधवार के दिन या फिर आपको एक्सपायरी के दिन, चाहे वो इस हफ्ते की हो चाहे वो अगले हफ्ते की हो, समझ रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉल लेके काम करेंगे, पुट लेके काम नहीं करेंगे। यानी जैसे आपका 6,900 के पास मार्केट आता है, यानी 7,000 टूटता है, आपको जो सस्ती पुट मिलती है, सॉरी कॉल मिलती है, वो आप लेके बैठ जाइए और उस दिन पूरे दिन उसको होल्ड करने की कोशिश करिएगा,
वो आपको एक बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। आप इस कॉल को तभी खरीदिएगा कि वो पैसा अगर चला जाता है आपको। सपोज करो आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करे, तो 2,000 रुपये इन्वेस्ट करे और आपने उस 2,000 रुपये आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिलने लग गया और आपने काट ली, बट वहाँ पे 2,000 का आपको 20,000 का भी प्रॉफिट मिल सकता था। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर आप 2,000 लगा रहे हो तो उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स का अपना जो टारगेट होगा वो डिसाइड करिएगा, ठीक है? इस चीज़ को समझिए, क्योंकि इस लेवल से एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ज़बरदस्त बाउंस बैक। और ये कैसे हो सकता है, इसका पैटर्न किस तरीके का होगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि ये पैटर्न किस तरीके का हो सकता है। देखो, ये पैटर्न हो सकता है मार्केट खुलेगा, जैसे मॉर्निंग में मार्केट खुलेगा एक प्रेशर ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगा, जिस प्रेशर में ये एक टेस्ट होगा और वहाँ से फिर एक रिकवरी आएगी। वो रिकवरी आपकी काफ़ी अच्छी रिकवरी होगी और उस रिकवरी में आपके जो कॉल के प्राइस होंगे वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। और अगर ये वेनसडे और थर्सडे पे होता है तो समझ लो आपकी लॉटरी भी लग सकती है। जैसे कि जो लास्ट एक्सपायरी थी उस एक्सपायरी का अगर मैं बात करूँगा आपको, तो आपकी जो लास्ट एक्सपायरी थी अगर मैं उसकी बात करूं, वो एक्सपायरी आपकी थी 19 तारीख की, आपकी लास्ट एक्सपायरी थी। तो 19 तारीख का आपका जो 7,800 का जो लो था, जो बेसिकली एक सपोर्ट था, वो टेस्ट हुआ था और वहां से मार्केट ने पूरी रिकवरी दिखाई थी 10% की, और उसके बाद जाके मार्केट क्लोज यहाँ कहीं हो गया था, ठीक है? लेकिन उस रिकवरी का फायदा ये हुआ कि जो 20 रुपये का ऑप्शन था, बेसिकली 8,300 की कॉल और 10 रुपये का जो कॉल थी 8,500 की, ये आपकी 200 और 100 तक गई थी, यानी आपके पैसे काफ़ी अच्छे बढ़ गए थे। तो यही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब फर्दर लैग ऑफ सेलिंग आएगा, यानी ये जो फर्दर लैग ऑफ सेलिंग आएगा जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होंगे, यानी ये जो जोन होगा, इस जोन में आपको ये 6,300 तो हो सकता है टेस्ट हो भी या नहीं भी हो, क्योंकि 6,300 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर 6,300 टूटता है तो फिर मार्केट में ये समझ लीजिए कि फिर भाव नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ बेचने वाला बेच ही रहा है। सिंपल सी चीज़ ये है, आपको अगर 6,300 टूट जाता है फिर तो सिर्फ बेचने वाला बेच ही रहा है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में, फिर फेयर वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ नहीं है फिलहाल। बट ये जो सपोर्ट होगा, इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ज़बरदस्त बाउंस बैक, और इसकी मैंने प्रिपरेशन भी कर रखी है कि मैं इस पर्टिकुलर जो सपोर्ट होगा इसको मैं बकायदा एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। कितनी क्वांटिटी खरीदनी है ये अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करती है, मेरी क्वांटिटी हो सकता है ज़्यादा हो, आपकी क्वांटिटी कम हो, या फिर मेरी कम हो आपकी ज़्यादा हो, तो ये डिपेंड करता है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक आएगा, और वो बाउंस बैक मोर देन 5 to 7, 8, 10% तक भी हो सकता है इंट्राडे में। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आ सकता है। क्योंकि देखो आज डाउ फ्यूचर 5% ऊपर है। डाउ फ्यूचर में भी मैंने आपको बताया था कि डाउ फ्यूचर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है, और हो सकता है यहाँ से आपको एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है या थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो 18,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसने इसको टेस्ट किया और अब ये धीरे धीरे उछाल दिखा रहा है, लेकिन सस्टेन करेगा ये पता नहीं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डे चार्ट पे अगर हम देखें तो आप देख रहे हो यहाँ पे आके मार्केट डोजी 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 टाइप की बना रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन बेस फॉर्मेशन के बाद भी एक सेलिंग प्रेशर आता है, क्योंकि वो लास्ट फेज ऑफ सेलिंग प्रेशर होता है, उसमें भी चीज़ें गिर जाती हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोजी 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 बनाई, उसके बाद ये सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे डोजी 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 इस टाइप की कैंडल्स बनाएगा, यानी सिंपल सी चीज़ें मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर सेलिंग वाला सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, नीचे बाइंग वाला बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, अगर मार्केट को गिराना ही है तो सेलर दोबारा से हैवी आएंगे, वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे, यानी यहाँ से अगर दोबारा से जब गिरावट आएगी तो हमें एक अच्छा फेज ऑफ सेलिंग का देखने को मिलेगा, और अगर बाउंस बैक आएगा तो वो भी एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रह जाइए, हो जाइए, क्योंकि जो मूवमेंट आएंगे वो बड़े आएंगे और उस मूवमेंट का फायदा आप उठा सकते हो। क्योंकि अभी क्या है कि हम गैप डाउन में अपना पूरा ज़्यादातर गैप डाउन हो जाता है, या फिर गैप अप हो जाता है, गैप अप तो हो ही नहीं रहे, गैप डाउन ही ज़्यादा हो जाता है, जिसमें हम मैक्सिमम जो गेन होता है डाइल्यूट हो ही जाता है। क्योंकि अगर 500 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन हो रहा है, फिर वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती पुट खरीदने की, क्योंकि इतनी महंगी हो जाती है
कि उसको खरीदने का कोई फायदा नहीं रहता। और अगर आप खरीद लो और मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाए तो बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू की वजह से ही हमें लॉस होने लगता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझ लीजिए। अगर कोरोना वायरस का अपडेट देखें तो देख सकते हैं आप 3,87,000 पेशेंट्स हो चुके हैं अभी तक, और जिसमें कि यूएस की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएस में जो फोर्थ वीक चल रहा है तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। बट एक चीज़ अच्छी देखने की को दिख रही है कि यहाँ पे फर्दर केस जो है थे वो नए जो केसेस हैं वो थोड़े से, अगर इनमें और उनमें ग्राफ देख रहे हो तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट बराबर ही आता जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का वहाँ पे फायदा मिल रहा है और इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन का फायदा मिल रहा है, इस चीज़ को क्लियरली देखा जा रहा है। क्योंकि कल रात 496 केस थे और अभी कितने हैं, 511 केस। यानी कल से हमने आज इम्प्रूवमेंट देखी है, जबकि बीच में 2 दिन हमारे पास ऑलमोस्ट 100 और प्लस 76 इतने पेशेंट हमें देखने को मिले थे। तो आज भगवान की दुआ से अगर हमारे पास ये डाटा सिर्फ 10, 15, 20 तक अगर ये रह जाता है तो लॉकडाउन का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगले जो 2-3 दिन का जो लॉकडाउन है इससे हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमारा मार्केट किस जगह स्टेबल हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं हमारा मार्केट 6-7 हज़ार के आसपास स्टेबल हो सकता है। क्योंकि ये जो मतलब सिंपल सी चीज़ है, देखो मार्केट का जो पूरा बैड फेस है वो हम पर्टिकुलर ये 6-7 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 6-7 दिन में मार्केट को जितना गिरना होगा वो गिर जाएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो कोई और बन नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ बंद है, सारी कंपनियों ने प्लांट शटडाउन कर रखे हैं, हर एक तरीके से सब कुछ बंद है, यानी बिजनेस पूरी तरीके से इम्पैक्ट है। तो इसको मार्केट प्राइज इन करने की कोशिश कर रहा है, और जब प्राइज इन करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो गिरावट है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाद में नहीं गिरेगा मार्केट, अभी जितना गिर सकता है उतना गिरने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि 10% की और गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर, और ये जो गिरावट होगी वो बेसिकली पैनिक सेलिंग हो सकती है कि आपको सेम डे में रिकवरी देखने को मिल जाए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब हो सकता है मैं सही भी हूँ या नहीं भी हूँ, बट ऐसा मैंने प्लान कर रखा है और ये प्लानिंग मैंने पहले से कर रखी है कि अगर ये लेवल आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि 8,000 की, 7,500 की, या फिर जो भी मेरे को सस्ती कॉल मिलती है जहाँ पे कि मैं अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी लेके काम कर सकूँ, उस क्वांटिटी पे मैं एक लॉटरी टिकट खरीदने की कोशिश करूँगा। अगर लग गई तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है, इंट्रा डे के अंदर भी और विद इन 1-2 डेज में भी। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर हम ऑप्शन चेन का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बाकी कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल गिरावट देखने को मिलती है तो परसों हम इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि परसों एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन नॉर्मली जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होते हैं। तो राइटर भी उस प्रीमियम को कमाने की कोशिश करता है, पहले नीचे ले जाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, और फिर कहीं सेंटर में जाके क्लोज कर देगा, जिससे कि कॉल और पुट के जो दोनों के प्रीमियम होंगे वो उसको एक अच्छा पैसा कमा के देंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।